आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आप सबके लिए एक सुंदर सी प्यारी सी ठाकुर जी की ड्रेस लेकर आ गई हूँ, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, जो है ब्लू कलर से बनी हुई। ब्लू कलर्स के इसमें मैंने कई सारे शेड्स यूज़ किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनाने में बहुत ही ईजी है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ड्रेस बहुत जल्दी बन जाती है, ठाकुर जी इसे पहनकर बहुत प्यारे लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमने कलर्स को कौन सा यूज़ किया है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसे लाइट फिरोजी कलर से मैंने इसका बेस बनाया है, और उससे थोड़ा डार्क फिरोजी से मैंने फर्स्ट राउंड बनाया डिज़ाइन का, उससे थोड़ा डार्क ब्लू से मैंने सेकेंड राउंड बनाया, और रॉयल ब्लू से मैंने इसका थर्ड राउंड बनाया है। तो 4 कलर्स जो हैं टोटल मैंने इसमें यूज़ किए हैं, और जो ये है हाफ पर्ल्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं, छोटे वाले साइज़ के, बड़े वाले साइज़ के, एंड यहाँ पर मैंने मिरर यूज़ किए हैं। तो डेकोरेशन एंड कलर चॉइस आपकी होगी कि कैसे आप करना चाहते हैं, डेकोरेशन एंड कलर कैसे आप यूज़ करना चाहते हैं, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, तो और इसे बड़ा भी बना सकते हैं। आगे वीडियो में जब मैं ये ड्रेस बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसी पैटर्न को हम बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो ड्रेस ये अभी मैं 5 नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस आपको बनाना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे ड्रेस को बनाना। और ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 mm का क्रोशेट यूज़ किया है। एंड फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अभी तक जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक मेरी सारी ड्रेसेस की वीडियो पहुँचें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ALL को कॉल को क्लिक करें, ताकि सारी ड्रेसेस की वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ और आप सुंदर सुंदर ड्रेसेस ठाकुर जी के लिए बना पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपनी ड्रेस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 5 नंबर की जो चोली है वो बनाकर रखी है। 5 नंबर की चोली जो है वो मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड की हुई है, और मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देखकर बना सकते हैं 5 नंबर की चोली। और जो भी नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस आप बनाना चाहते हैं, उस नंबर की चोली बनाइए, और घेरा जो बनाना है, घेरे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसे यहाँ पर स्लिप नॉट से ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर मैंने 3 चेन्स लेनी है, 1, 2 एंड 3 लूप लेंगे। इसके जस्ट नीचे वाला जो चेन स्टिच है इसमें जाएंगे और एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेने के बाद नीचे से 1 चेन को स्किप करेंगे एंड नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, और यहाँ पर फिर से हम 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी सेम चेन स्टिच में मैंने 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से मैं 1 चेन लूँगी, लूप लूँगी, नेक्स्ट चेन स्टिच को स्किप करूँगी, उससे नेक्स्ट में जाऊँगी, और फिर यहाँ पर 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर से 1 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच को स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट में जाएंगे, और एक बार डबल क्रोशिया, और इसी सेम चेन स्टिच में एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे, और 1 चेन लेंगे और 1 चेन को स्किप करके उससे नेक्स्ट में जाएंगे और 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से 1 चेन ऊपर बनाते हुए, 1 चेन नीचे छोड़ते हुए, स्किप करते हुए, और उससे बगल वाले स्टिच में जाकर 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी देखिए, हमारा जो वर्क है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं अपने राउंड के एंड में आ गई हूँ। और प्रोसीजर के हिसाब से ये हमारा 1 चेन स्किप होता था चेन स्टिच, और लास्ट में हमारा 1 चेन स्टिच रह गया है, इसे हम स्किप करेंगे, और ये वाला जो हमारा 3rd चेन स्टिच है, 3 चेन वाला सबसे टॉप वाला जो चेन स्टिच है, 1 चेन बनाएंगे, और यहाँ पर इसके 1, 2 एंड 3 3rd चेन में जाकर यहाँ पर इसे स्लिप नॉट से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे घेरे का फर्स्ट राउंड हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट राउंड बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, 1, 2 एंड 3 चेन्स लेंगे, 3 चेन्स लेने के बाद लूप लेंगे, नेक्स्ट जो हमारा इसके साथ वाला डबल क्रोशिया है इसकी ऊपर वाली चेन में जाएंगे और यहाँ पर 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2, और उसके बाद फिर 1 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, नीचे से स्किप। देखिए, जो यहाँ हमने 1 चेन बनाया था नीचे, जो हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे, तो उसी चेन को हमें स्किप करना है और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के टॉप वाले चेन में जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके साथ वाले
डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया हमारा इंक्रीज हो रहा है, ऊपर हमारे 2 चेन स्टिच के 2 डबल क्रोशियाज थे, नीचे हमारे 3 डबल क्रोशियाज हो गए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले रो में हमारा एक इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर फिर से हम 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट ये चेन को स्किप करेंगे और इसके जो डबल क्रोशिया के टॉप वाली चेन है इसमें जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, लूप लेंगे और सेम इसी चेन स्टिच में एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चेन लेंगे, नीचे से ये जो 1 चेन हमने बनाया था इसे स्किप करेंगे, जो डबल क्रोशिया की टॉप वाला चेन है इसमें जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया, इसके साथ वाले में एक बार और डबल क्रोशिया और लूप लेके इसी सेम चेन स्टिच में जो सेकेंड वाला डबल क्रोशिया की टॉप वाली चेन है इसमें हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशिया करना है। तो ये 3rd टाइम डबल क्रोशिया हो गया और फिर हम 1 चेन लेंगे और आगे सेम इसी तरह से जैसे मैंने पीछे किया इसी तरह से करते हुए हम अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। एवरी कली में हमारा 1 डबल क्रोशिया जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने राउंड के एंड में आ गई हूँ और राउंड के एंड में आने के बाद यहाँ पर 2 डबल क्रोशियाज के नीचे मैंने 3 डबल क्रोशियाज बना लिए हैं। फर्स्ट डबल क्रोशिया के नीचे 1 डबल क्रोशिया एंड सेकेंड वाले डबल क्रोशिया के नीचे 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बना लिया, ऊपर मैंने 1 चेन बना लिया। अब हम यहाँ पर 1, 2 एंड 3 थर्ड चेन में जाकर इसे स्लिप नॉट से कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा घेरे का जो सेकेंड राउंड है वो पूरा हो गया। देखिए अब हमारा घेरा कुछ इस तरह से दिखना स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह से अभी हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड राउंड के लिए 1, 2 एंड 3 3 चेन्स लेंगे, लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और लूप लेके इसी सेम चेन स्टिच में जो हमारा थर्ड वाला डबल क्रोशिया है इसके नीचे जो टॉप वाली चेन है इसके ऊपर हम 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर 1 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे नेक्स्ट में जो हमारा थर्ड डबल क्रोशिया है इसके टॉप पे हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है। तो फिर इस राउंड में क्या हो गया, हमारा एक एक डबल क्रोशिया फिर से इंक्रीज हो रहा है एवरी कली में। पहले हमारे पास 3 थे, अब हमारे पास इस वाले राउंड में 4 डबल क्रोशियाज हो रहे हैं। देखिए इसी तरह से करते हुए हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है अगर मैं आपको एक एक लाइन कंप्लीट बताऊंगी। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर घेरे की 3 लाइंस बता दी हैं, इसी तरह से हम 3 लाइंस और बना लेंगे और टोटल हम 6 लाइंस करके कंप्लीट आगे अपना घेरे पे डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने 3 लाइंस बता दी हैं, फोर्थ राउंड घेरे का उसमें फिर से हम एक एक इंक्रीज करेंगे। एक इंक्रीज हमें हमेशा लास्ट वाले स्टिच के टॉप वाली चेन में करना है, उसके बाद 1 चेन बनाना है और 1 चेन को स्किप करना है। तो इसी तरह से करते हुए अपने घेरे में आपको जितने भी राउंड चाहिए वो आप बना सकते हैं, चाहे आप 4 राउंड बनाए, 5 राउंड बनाए, 6 राउंड बनाए, 7 राउंड बनाए। ठाकुर जी की ड्रेस के और घेरे के हिसाब से आपको जितने भी राउंड घेरे के बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। उसके बाद हम अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर घेरा कंप्लीट करके मैं आपको मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये हम घेरा बना रहे थे, घेरा बनाते हुए हम अपने लास्ट राउंड पे आए। मैंने यहाँ पर घेरे में अपने 5 राउंड्स बनाए और जो 6th राउंड मैं यहाँ पर बनाऊंगी वो मैं यहाँ पर ये जो ये हमारे 1 चेन वाले ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, इनको बंद करके बनाऊंगी। तो ये मैं आपको 6th राउंड बताने के लिए वीडियो बना रही थी। देखिए 5 राउंड्स बिल्कुल हमने सेम वैसे ही बनाए हैं जैसे हम अपना पूरा घेरा बना रहे थे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लाइंस हमने बिल्कुल वैसे ही बनाई हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पर 3 लाइंस बताई थी, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 5 लाइंस बना ली हैं। अब हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं 3rd चेन में जाऊँगी, 1 चेन बनाकर 3rd चेन में जाऊंगी, 1, 2 एंड 3 3rd चेन में जाकर इसे स्लिप नॉट से कनेक्ट कर दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने 3 चेन्स बना लिए हैं, स्लिप नॉट से कनेक्ट करा और 3 चेन्स बनाए। 3 चेन्स बनाने के बाद लूप लेंगे और जैसे हम अपना घेरा बनाते हैं वैसे ही एवरी चेन स्टिच में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर हम इस कली के एंड में आ जाएंगे और जो हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशिया होगा, ये देखिए ये जो हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम फिर से 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे
और 2 times डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर चेन नहीं बनाएंगे, और चेन नहीं बनाने के लिए और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा ये होल वाल यहाँ पर एक ब्लॉक है जिससे हमने एक चेन से बनाया हुआ है, इसे हम कंप्लीट करेंगे और इसके अंदर फिर से हम एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे और फिर से लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से एवरी चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी कली के एंड में आएंगे और एंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर वाले चेन में हमें यहाँ पर 2 times डबल क्रोशिया बनाना है। और 2 times डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए एंड में आ गए, इसमें 2 times डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 times डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर चेन नहीं बनाएंगे, जैसे हम पिछले राउंड में चेन बना रहे थे, तो यहाँ चेन नहीं बनानी है हमने। लूप लेंगे और जो ये हमारा ब्लॉक है इसके अंदर भी एक डबल क्रोशिया बना देंगे और फिर नेक्स्ट गली पे आएंगे और फिर से सेम वैसे ही जैसे अभी हमने इन दोनों में किया वैसे ही करते हुए अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 6th round जो है ये मेरा घेरे का कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर लास्ट में आके इस ब्लॉक में भी मैंने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया है। और उसके बाद यहाँ पर 1, 2 and 3rd chain में जाकर हम इसे स्लिप नॉट से कनेक्ट कर देंगे और ये हमारा 6th round जो है घेरे का ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपना 7th round जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे और आप चाहें तो यहाँ पर 7th round में आप अपनी ड्रेस के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पर कलर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर कलर जो है वो चेंज नहीं कर रही हूँ, तो कलर चेंज नहीं कर रही हूँ और मैं स्काई ब्लू कलर से ही अपना जो आगे का घेरा है इसे कंप्लीट बनाऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपना आगे का राउंड बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं 1 chain लूंगी, 1 chain मतलब यहाँ पर मेरा एक सिंगल क्रोशिया ये काउंट हो गया 1 chain वाला। और नेक्स्ट चेन स्टिच में जाऊंगी, एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, उससे नेक्स्ट में जाऊंगी एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और उससे नेक्स्ट में जाऊंगी एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। और फिर हम यहाँ पर 2 chains बनाएंगे ऊपर 1 and 2। 2 chains बनाकर फिर नीचे से हम 1 and 2 chains को स्किप करेंगे, 3rd chain में जाएंगे और एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में जाएंगे एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उससे नेक्स्ट में जाएंगे एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 and 2 chains बनाएंगे। देखिए हमारी जो इस रो का पैटर्न होगा वो होगा 4 single crochets, 2 chains ऊपर बनानी है और 2 chains नीचे स्किप करनी है और फिर 4 single crochets बनानी है और फिर 2 chains बनानी है और नीचे से हमें 2 chains को स्किप करना है। देखिए 1 and 2 को स्किप करेंगे, 3rd chain स्टिच में जाएंगे एंड एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में जाएंगे एक बार सिंगल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में जाएंगे एक बार सिंगल क्रोशिया। तो ये 4 times सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 2 chains बनाएंगे एंड 2 chains को नीचे से स्किप करके 3rd chain स्टिच में जाएंगे और फिर से 4 times सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 4 times में से ये 1 time हो गया और 3 times और बना लेंगे। तो इसी तरह से 4 times सिंगल क्रोशिया, 2 chains ऊपर बनानी है और 2 chains नीचे से स्किप करनी है। इसी तरह से करते हुए हम अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने राउंड के एंड में आ गए हैं। ये हमारा 7th round था और यहाँ पर 4 times सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने यहाँ 2 chains बनाए और जैसे कि हमारा पैटर्न चल रहा था हमें 2 chains को स्किप करना होता था, तो लास्ट में मेरे पास 2 chains बच गए हैं और यहाँ पर मैंने 4 single crochet से स्टार्ट किया था। तो जो 1st single crochet का जो चेन था उसमें जाकर मैं इसे स्लिप नॉट से कनेक्ट कर दूंगी। तो ये मेरा जो 7th round है वो मेरी पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और मेरा जो घेरा है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब मैं अपना जो घेरा है उसका 8th round जो है वो स्टार्ट करूंगी बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैं यहाँ पर 1, 2 and 3 chains बनाऊंगी। 3 chains जो है वो मेरा 1st double crochet काउंट होगा। और अब देखिए लूप लेके नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे। जो हमारा 4th यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की ऊपर वाली चेन है यहाँ पर हमें 2 times सिंगल डबल क्रोशिया बना देना है। देखिए तो यहाँ पर नीचे हमने 4 times सिंगल क्रोशिया बनाए थे और उसके ऊपर हमने 5 times डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर मैं 1 and 2 chains फिर से बनाऊंगी और यहाँ पर फिर से ये 2 chains को नीचे से स्किप करेंगे, लूप लेके फिर अपने जो यहाँ पर 4 times हमने सिंगल क्रोशियाज बनाए थे इनके ऊपर हमें 5 times डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए 1, 2, 3 और जब हम लास्ट वाले में आते हैं तो लास्ट वाले में हम एक इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ पर हम 2 times डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन स्टिच में।
और फिर अब यहाँ पर वन एंड टू चेन्स बनाएंगे और नेक्स्ट यहाँ से नीचे टू चेन्स को स्किप कर देंगे और यहाँ पर जो फोर हमारे सिंगल क्रोशियाज हैं उसके फर्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और इस चेन स्टिच में हमें टू टाइम्स डबल क्रोशिया बना लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर फाइव टाइम्स डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम फिर से यहाँ पर ऊपर टू चेन्स बनाएंगे और फिर आगे जो ये हमारे फोर टाइम्स सिंगल क्रोशियाज हैं इनमें हमें फाइव टाइम्स डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। दिस इज द नंबर राउंड नंबर एट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा जो राउंड है कंप्लीट हो गया है, ये वाला भी। और अब हम अपना इस राउंड को कंप्लीट करेंगे कैसे, देखिए टू चेन्स यहाँ पर बनी है, टू चेन्स ऊपर मैंने बना ली हैं, पिछले ब्लॉक के फोर सिंगल क्रोशिया मैंने फाइव डबल क्रोशियाज को कंप्लीट बना लिया है और यहाँ पर अभी थर्ड चेन में जाकर मैं इसे स्लिप नॉट से कनेक्ट कर दूँगी और हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। देखिए एट राउंड कंप्लीट किया हमने, अब हम अपना नाइन्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए फिर से हम यहाँ पर थ्री चेन्स लेंगे, लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और जब लास्ट चेन स्टिच में आएंगे तो यहाँ पर टू टाइम्स डबल क्रोशिया बना लेंगे और टू टाइम्स डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर फिर से हम टू चेन्स बनाएंगे, वन एंड टू। टू चेन्स बनाने के बाद नीचे से ये टू चेन्स को स्किप करेंगे और फर्स्ट चेन स्टिच में आएंगे लूप लेके और फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन स्टिच में फिर से डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में टू टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। टू चेन्स, नीचे टू चेन्स आएंगे और उसके बाद फिर से हम सेम यही चीज़ करेंगे, एक डबल क्रोशिया हमें लास्ट वाले चेन स्टिच में इंक्रीज करना है और इसी तरह से करते हुए अपना ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हमने यहाँ पर आकर इसे स्लिप नॉट से थर्ड चेन के अंदर कनेक्ट कर दिया है। तो ये देखिए, ये वाले जो डिज़ाइन के टू रोज हैं ये मैंने बना लिए हैं। इन्हीं रोज की मैं आपसे बात कर रही थी कि ये जो फर्स्ट राउंड जो मैंने सिंगल क्रोशिया से बनाया था और जो ये टू राउंड मैंने अभी डबल क्रोशिया के डिज़ाइन के बनाए हैं, ये आप डिफरेंट कलर से भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम यही वाला एक राउंड अभी ऊपर और बनाएंगे जो ये डबल क्रोशिया वाला है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे अभी हमने पिछला राउंड बनाया वैसे का वैसा सेम हम ये वाला राउंड बनाएंगे। तो देखिए थ्री चेंज लेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया एंड जब हम लास्ट में आते हैं तो हम यहाँ टू डबल क्रोशियाज करते थे, लेकिन अभी हम यहाँ पर कुछ इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने सेम जैसे यहाँ पर बनाया वैसे ही यहाँ पर बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फिर हम टू चेन्स बनाएंगे और टू चेन्स को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, जो डबल क्रोशिया है उस डबल क्रोशिया के ऊपर जाएंगे और एज इट इज सिक्स डबल क्रोशियाज के ऊपर सिक्स टाइम डबल क्रोशिया कर लेंगे और सेम टू चेन्स के ऊपर हमें टू चेन्स बनानी है और नीचे से टू चेन्स को स्किप करना है और फिर सिक्स डबल क्रोशियाज के ऊपर सिक्स टाइम्स डबल क्रोशिया करते हुए हम अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो घेरे का हम इस राउंड को फिर से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है जिसमें मैंने यहाँ पर सिक्स के ऊपर सिक्स डबल क्रोशियाज बनाए, बीच में टू चेन्स बनाए। तो इसी तरह से मैंने अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। टू चेन्स बनाने के बाद यहाँ पर मैं थर्ड चेन में जाएंगे, फर्स्ट डबल क्रोशिया की थर्ड चेन में जाकर यहाँ पर मैं इसे स्लिप नॉट से कनेक्ट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मेरा जो नेक्स्ट राउंड रहेगा वो सिंगल क्रोशिया से बनेगा। देखिए डबल क्रोशिया के मैंने थ्री राउंड्स बनाए और पहला राउंड जो है मैंने सिंगल क्रोशिया से बनाया था और जो मेरा लास्ट राउंड होगा घेरे का वो भी सिंगल क्रोशिया से बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ मैं वन चेन लूंगी, वन चेन लेने के बाद मैं एवरी चेन स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाती हुई इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में आएंगे सिंगल क्रोशिया। सिक्स टाइम्स बना लिया है, सिक्स डबल क्रोशियाज के ऊपर सिक्स टाइम्स सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। अब यहाँ टू चेन्स बनाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में, एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ पर एंड में आएंगे इस वाली डिज़ाइन के, और फिर यहाँ पर हम टू चेन्स बनाएंगे और फिर इधर आएंगे और यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो सिंगल क्रोशिया बनाते हुए और टू चेन्स बनाते हुए सेंटर में और नीचे से टू को स्किप करते हुए हम अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो घेरे का लास्ट राउंड था ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आकर मैंने सिंगल क्रोशिया बना ली है 6 times और यहाँ पर मैं टू टाइम्स चेन बनाऊंगी, 1 and 2, और यहाँ पर फर्स्ट चेन में जाकर इसे स्लिप नॉट से कनेक्ट कर दूंगी और यहाँ पर एक चेन बनाकर नॉट लगा दूंगी और अपने स्काई ब्लू कलर के वर्क को कट कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो घेरा है वो बनकर कंप्लीट हो गया है। ये देखिए घेरा जो है मेरा कुछ इस तरह से बना है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का ये घेरा था तो इसलिए मैंने आपको आज वीडियो में पूरी तरह से घेरा बनाना बताया है। और अब हम इस जो नीचे की हमने 3 lines, जो ये हमने 5 lines बनाई हैं, जो 1 line फर्स्ट लाइन जो है सिंगल क्रोशिया से, 3 lines हमारी डबल क्रोशिया से और लास्ट लाइन हमारी जो है वो सिंगल क्रोशिया से बनी है। तो जो ये टोटल 5 lines हमारी घेरे की लास्ट 5 lines हैं, इनमें हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसमें जो डिज़ाइन में कलर यूज़ करेंगे वो हमारा थोड़ा सा डार्क रोजी कलर होगा। और अपने जो हम ये हमारा फर्स्ट राउंड जो हमारा इसमें सिंगल क्रोशिया से बना था, इसमें हम अपना ये वर्क स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डार्क फिरोजी कलर में अपना नॉट लगा लिया है और जिस पॉइंट से मर्जी आप स्टार्ट कर सकते हैं, पर जहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर इसे कट किया है मैं उसी के नीचे से यहाँ पे यहाँ से इसे ज्वाइन करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने जो ये हमारे ब्लॉक्स बनाए थे हमने 2-2 chains वाले, इसमें जो सबसे पहला राउंड है यहाँ देखिए नीचे से, ये वाला जो फर्स्ट राउंड हमारा दिखाई दे रहा है आपको सिंगल क्रोशिया का जो राउंड मैंने बनाया था, इसमें नीचे से जाऊंगी, इस ब्लॉक में जाकर मैं सबसे पहले इसे ज्वाइन करूंगी। एक सिंगल क्रोशिया बनाकर इसे मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसे ज्वाइन कर लिया और 1, 2 and 3 chains मैंने यहाँ पर बनाई हैं। 3 chains बनाने के बाद देखिए, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 3 chains बना ली थी, 3 के बाद एक चेन और बनाएंगे हम, यहाँ पर 4 chains बना लेंगे। 4 chains बनाने के बाद लूप लेंगे और लूप लेने के बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा रिंग है इसमें जाएंगे नीचे से, ये देखिए जो फर्स्ट वाला हमारा राउंड है इसके नीचे से जाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 1, 2, 3 and 4 chains बनाएंगे और 4 chains बनाने के बाद देखिए इस जो ये हमारा डबल क्रोशिया है इसके नीचे से लूप अपना क्रोशेट लेके जाएंगे और लूप लेके वापस आएंगे और एक सिंगल क्रोशिया से इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और फिर से लूप लेंगे, इसी वाले होल में जाएंगे और फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 chains बनाएंगे और देखिए जो ये डबल क्रोशिया है ये देखिए इसके नीचे से जाएंगे और एक बार सिंगल क्रोशिया से इसे हम कनेक्ट कर देंगे। फिर से देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया हुआ, फिर हमने 4 chains बनानी है। देखिए 4 chains बनाई, जो ये हमारा डबल क्रोशिया है इसके नीचे से जाएंगे और यहाँ से लूप लेके वापस आएंगे और यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देंगे। फिर से देखिए लूप लेंगे, सेम इसी वाले में फिर से जाएंगे, फिर से इस तरह से पकड़ के यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देन 1, 2, 3, 4 chains बनाएंगे और इसके नीचे से फिर से जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से लूप लेंगे, इसके नीचे से फिर से जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एंड 1, 2, 3 and 4 chains बनाकर इस डबल क्रोशिया के नीचे से जाकर एक सिंगल क्रोशिया से इसे कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से फ्लावर बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, फिर से 1, 2, 3, 4 chains बनाएंगे। 4 chains बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक आएगा यहाँ पर इसे एक सिंगल क्रोशिया से हम कनेक्ट करेंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करने के बाद 1, 2, 3 and 4 chains बनाएंगे और फिर से लूप लेके अपने नेक्स्ट रिंग में जाएंगे, नेक्स्ट ब्लॉक में जाएंगे और इसमें फिर से एक डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 chains बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के नीचे से लूप लेते हुए एक सिंगल क्रोशिया से इसे हम कनेक्ट कर देंगे। फिर से देखिए, फिर डबल क्रोशिया लेंगे, इसी रिंग में जाएंगे और फिर से
डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेंज बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के नीचे से लेते हुए एक रिंग में इसे सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा हमने 5 टाइम्स हमें ये करना है। तो ये मेरा 3 टाइम्स हो गया। फिर से इसी वाले लूप में 5 टाइम्स हमने बनाना है। तो ये हमारा 4th टाइम बन रहा है। 4 चेंज बनाकर इस डबल क्रोशिया के नीचे से इसे सिंगल क्रोशिया से हम कनेक्ट कर देंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेंज बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के नीचे से सिंगल क्रोशिया की ज्वाइनिंग करेंगे। देखिए फिर उसके बाद फिर से 1 2 3 4 चेंज बनाकर अपनी नेक्स्ट वाले ब्लॉक में जाएंगे और नेक्स्ट वाले ब्लॉक में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया से इसे कनेक्ट कर देंगे और फिर से 1 2 3 4 चेंज बनाकर और यहाँ पर लूप लेके नेक्स्ट वाले ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पर फिर से हम अपनी फ्लावर वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए जो हमारा डिज़ाइन है वो किस तरह से दिखेगा, ये देखिए इस तरह से हमारा जो है पहले ब्लॉक में डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया है। ये हमारा फ्लावर बन रहा है 5 पेटल्स के साथ। बीच में हमने यहाँ 4 चेन्स बनाई, यहाँ पर भी 4 चेन्स बनाई और बीच में सेंटर वाले ब्लॉक में हमने इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। फिर से हमने यहाँ पर 5 पेटल्स बनाई और 4 चेन्स बनाकर सेंटर वाले इस ब्लॉक में इसे हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया और फिर से 4 चेन्स बना के नेक्स्ट वाले ब्लॉक में आएंगे और फिर से हम इस तरह से फ्लावर बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए अपने पूरे राउंड को कम्प्लीट कर लेंगे और राउंड के एंड में आ जाएंगे। और ये जो हमारा स्काई ब्लू डार्क स्काई ब्लू कलर है इससे हम इस कलर से फ्लावर बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया डार्क फिरोजी कलर से। यहाँ पर मैंने अपना फ्लावर बनाया और 4 चेन्स बनाई और जो नेक्स्ट हमारा रिंग है जिसमें हमें ज्वाइन करना होता है सिंगल क्रोशिया से उसमें से हमने स्टार्ट किया था। तो देखिए एंड हमने इसी पे किया है। यहाँ मेरा फ्लावर बना, ये वाला ब्लॉक छोड़ के जो हमारा नेक्स्ट ये वाला ब्लॉक आएगा इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन करना होता था। तो हमने यहाँ पे 4 चेन्स बना लिए हैं और यहाँ की फर्स्ट चेन जो हमारी होगी उसमें जाकर हम इसे स्लिप नॉट से कनेक्ट कर देंगे, ये देखिए। और 4 चेन्स हमारे इधर से हमने स्टार्टिंग में बनाए थे। तो ये हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया और अब यहाँ पर हम अपने डार्क फिरोजी कलर को कट कर देंगे और नॉट लगा देंगे। तो देखिए हमारी ड्रेस कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये हमारा जो है डिज़ाइन का फर्स्ट राउंड हो गया। अब अपना नेक्स्ट राउंड जो है वो लगाएंगे और यहाँ पर अपना नेक्स्ट कलर जो है वो ज्वाइन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा जो नेक्स्ट कलर है मैं वहाँ पर इस जो ये हमारा डार्क फिरोजी कलर है इससे डार्क ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जो आपको अच्छे लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डार्क ब्लू कलर में नॉट लगा लिया है और अब हम अपना नेक्स्ट राउंड बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम नेक्स्ट राउंड को बनाना स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जहाँ से अभी मैंने यहाँ पर अपना फिरोजी कलर को कट किया है उसके जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें हमारे पास देखिए ऊपर अभी 3 ब्लॉक्स हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है फ्रेंड्स। जो फर्स्ट ब्लॉक था नीचे वाला उसमें हमने बना लिया है, तो जो अब ये वाला ब्लॉक है हमारा हम इसे स्किप करेंगे और अपना जो वर्क है वो इस वाले ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 हमने इसमें बना लिया है नीचे, ये वाले ब्लॉक को हम स्किप करेंगे और यहाँ वाले ब्लॉक में हम अपना वर्क करेंगे। तो हम सबसे पहले जहाँ पे हमने फ्लावर बनाया है उसी रो में हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे ज्वाइन करेंगे। पहले हमने जहाँ पे फ्लावर बनाया है वहाँ पे अब हमारी ज्वाइनिंग होगी और जहाँ हमने ज्वाइन किया था उस वाले ब्लॉक में हमारे ऊपर फ्लावर्स बनेंगे, तो हमारे जो फ्लावर्स हैं वो अच्छे से दिखाई देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे नीचे से हमने यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक में बना लिया है, इसे हमने स्किप कर दिया और अभी हमने सेकेंड वाले ब्लॉक में हम अपना वर्क करेंगे। इसमें हम अपना वर्क करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम अपना ज्वाइन करेंगे। सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर मैं 1 2 3 4 चेन्स बनाऊंगी जैसे मैंने पीछे बनाए थे नीचे बनाए थे और फिर लूप लेंगे हम और अपने नेक्स्ट ब्लॉक में जाएंगे और नेक्स्ट ब्लॉक में जाके हम फ्लावर बनाएंगे। जैसे हमने फ्लावर नीचे बनाया था वैसे ही सेम फ्लावर ऊपर बनाएंगे, 4 चेन्स बना के यहाँ से
इसे ज्वाइन करेंगे, एक डबल क्रोशिया फिर से लेंगे, इसमें हमें 5 टाइम्स फिर से सेम चीज़ को रिपीट करना है। जैसे फ्लावर्स मैंने नीचे बनाए थे वैसे ही फ्लावर्स को मैं ऊपर बना रही हूँ इस वाले रिंग में। ये 3 टाइम्स हो गया। और ये हमारा 4 टाइम्स हो गया। अब हमें सिर्फ लास्ट टाइम हमारा रह गया है, उसमें फिर से हम डबल क्रोशिया 4 चेन्स एंड इस डबल क्रोशिया के नीचे से जाते हुए इसे सिंगल क्रोशिया से हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ये फ्लावर हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हम यहाँ पर फिर से 4 चेन्स बनाएंगे। 4 चेन्स बनाने के बाद अपने नेक्स्ट ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ इसे ज्वाइन करेंगे, फिर से 4 चेन्स लेंगे और अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉक में लूप लेके जाएंगे और यहाँ पर फिर से हम 5 टाइम्स फ्लावर पेटल्स बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो वर्क है वो कुछ दिखाई देगा। अब हमारे इस रो में ये हमारा चेंज हुआ सिर्फ कि हमने जहाँ पर पहले ज्वाइन किया था उसके ऊपर वाली रो में हमें फ्लावर बनाना है और जहाँ पर हमने फ्लावर बनाया था वहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका यहाँ पर 4-4 चेन्स बनाने में झोल आता है तो आप यहाँ पर 5-5 चेन्स बना सकते हैं। तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपकी जैसी भी आपकी ड्रेस की सेटिंग होगी आप वैसे कर सकते हैं, झोल आपकी ड्रेस में झोल नहीं आना चाहिए बस। तो इसी तरह से करते हैं, हम अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरा डिज़ाइन का सेकेंड राउंड था ये बनकर कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अब हमारा जो इस ड्रेस का डिज़ाइन का लास्ट राउंड होगा हम वो बनाएंगे और वो हम अपना जो ये हमारे सिंगल क्रोशिया की लास्ट रो थी उसके बीच में जो ये ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं इसमें हम अपना लास्ट रो का डिज़ाइन वाला राउंड करेंगे। तो अब हम अपना जो राउंड है वो रॉयल ब्लू कलर से करेंगे। देखिए ये वाला कलर है मेरे पास, इस वाले ब्लू से थोड़ा डार्क शेड है, थोड़ा डिफरेंट शेड है। आप ब्लू के शेड के अलावा भी इसको मल्टी कलर्स में भी बना सकते हैं, लाइक बेस आप वाइट कलर का और जो ये लाइंस हैं ये आप कोई भी ऑरेंज, पर्पल, येलो और पिंक, रेड, कोई भी कलर्स इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि लाइक मैंने अभी 5 नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस बनाई है तो मेरा जो घेरा है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहें कि आप 6 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस बना रहे हैं तो आप इसमें जो ये मैंने आपको नीचे घेरे के जो ये स्काई ब्लू कलर से घेरा मैंने आपको बताया था इसके जो राउंड्स हैं वो एक्स्ट्रा बना के उसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जो डिज़ाइन की 3 रोज कर रही हूँ आप 4 या 5 रोज भी कर सकते हैं। तो डिज़ाइन एज इट इज ही रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन आपको इसी पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप उसी तरह से कर सकते हैं सेम पैटर्न को फॉलो करके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट राउंड। तो नेक्स्ट राउंड हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पर अभी मैंने ज्वाइन किया है। देखिए ज्वाइनिंग वाले पॉइंट के ऊपर वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम हमेशा फ्लावर को बनाना, और जब हम फ्लावर के ऊपर वाला जो पॉइंट है इसे हम ज्वाइन करेंगे। तो अभी हम ये जो अपना राउंड स्टार्ट करते हैं वो हमेशा ज्वाइन करने से स्टार्ट करते हैं। तो जो फ्लावर है किसी भी पॉइंट से, आप किसी भी फ्लावर के ऊपर वाले पॉइंट से, यहाँ पे जो ये लूप है फ्लावर के ऊपर वाले लूप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे। सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे ज्वाइन करेंगे। ये मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 चेन्स बनाऊंगी। 5 चेन्स बना के मैं लूप लूंगी और नेक्स्ट अपने इस लूप में आऊंगी, नेक्स्ट लूप में, और यहाँ पर मैं उसी तरह से फ्लावर बनाऊंगी जिस तरह से फ्लावर मैं बना रही थी। 1, 2, 3, 4 चेन्स लिख के डबल क्रोशिया के नीचे से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी प्रोसीजर को मैं 5 टाइम्स करूंगी। एक फ्लावर को बनाने के लिए 5 पेटल्स हम बनाते हैं, तो यहाँ मेरी 2 पेटल्स बन गई हैं। ये 3 हो गई, 4 एंड ये हमारी लास्ट पेटल बनेगी। तो हमारा जो फ्लावर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर बन गया है हमारा। देखिए ये हमारा फ्लावर बन गया है।
अब हमने नेक्स्ट जो लूप में जाना है तो 5 चेन्स लेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 चेन्स लेके हम इस ब्लॉक में जाएंगे नेक्स्ट ब्लॉक में, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन करेंगे एंड फिर से 1, 2, 3, 4 एंड 5 चेन्स लेंगे। नीचे हम 4 चेन्स ले रहे थे, अभी मैं यहाँ पर 5 चेन्स ले रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशियाज में एक डबल क्रोशिया इंक्रीज हुआ था, तो इसीलिए कहीं झोल ना आए इसलिए मैंने यहाँ पर 5 चेन्स ले लिए हैं। तो नेक्स्ट में जाएंगे नेक्स्ट वाले लूप में, और यहाँ पर फिर से हम 5 पेटल्स का फ्लावर बनाएंगे, डबल क्रोशिया, 4 चेन्स एंड इनके नीचे से एक सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर बनाते हुए और ये फ्लावर्स को ज्वाइन करते हुए 5 चेन्स के साथ हम ये वाला पूरा राउंड जो है इसे कंप्लीट कर लेंगे अपने रॉयल ब्लू कलर से। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो ये ड्रेस है ये बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड राउंड करने के बाद मैंने यहाँ नॉट लगाने के बाद यहाँ पर जो मेरी लास्ट लाइन थी रॉयल ब्लू कलर से, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर पर्ल्स, हाफ पर्ल्स को पेस्ट किया है। और जो ये मेरी फर्स्ट वाले स्काई ब्लू कलर का राउंड था डार्क ब्लू कलर का, उस पर मैंने यहाँ पर मिरर्स जो हैं वो पेस्ट किए हैं, और बीच में मैंने यहाँ हाफ पर्ल्स को पेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, डेकोरेशन आपके ऊपर है, आप ड्रेस के ऊपर किस टाइप से डेकोरेशन कर सकते हैं। डेकोरेशन करने से ड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। आप चाहें तो इसमें डोरी भी बना सकते हैं, और डोरी बनाना मैंने आपको अपनी पिछली ड्रेस जो रेड पर्ल ड्रेस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि डोरी कैसे बनानी है, तो प्लीज़ आप वैसे ही डोरी भी बना सकते हैं। देखकर डोरी बनाएंगे तो ड्रेस और भी प्रिटी लगेगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरी ड्रेस है ये बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब आप ये ड्रेस बनाएंगे, ड्रेस दिखने में जितनी ब्यूटीफुल है बनाने में उतनी ही आसान भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी एक न्यू सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।